जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि पति के वस्त्र धोने वाली माताएं एवं बहनों को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि पति के वस्त्र धोने वाली माताएं एवं बहनें इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि पति का सेवा करना नारी का धर्म है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो हर दुख और तकलीफ में एक दूसरे का साथ देते हैं। पति का सेवा करना पत्नी का धर्म है, इसलिए पति के बातों को पत्नी को मान लेना चाहिए। लेकिन पति भी ऐसा होना चाहिए जो अपने पति का सम्मान करे, पत्नी का ख्याल रखे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब पति कहीं बाहर काम पर जाए और फिर वापस आए तो पत्नी का कर्तव्य होता है कि वह चाहे कोई भी कार्य कर रही हो, जैसे चाहे भोजन बना रही हो या झाड़ू लगा रही हो, उसको थोड़े समय के लिए अपने पति के पास जाना चाहिए और जलपान कराना चाहिए, और यदि भोजन का समय हो तो प्रेम पूर्वक भोजन भी कराना चाहिए। यह पत्नी का कर्तव्य है। और पति काम पर जाने लगे तो पत्नी का कर्तव्य होता है कि उनके लिए साफ सुथरा वस्त्र पहनने के लिए दें। परंतु पुरुष वर्ग के लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि घर की नारी पूरा दिन कार्य करती है, अपने घर को सजाती है, बच्चों का भी ध्यान रखती है, पति का ख्याल रखती है, सास ससुर की भी सेवा करती है। अतः पति को भी अपने पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपना जो भी काम थोड़ा बहुत होता है वह करने के बाद इधर उधर अपना समय बिताने लगते हैं। कुछ पुरुष वर्ग के लोग तो ऐसे भी होते हैं कि स्नान करने के बाद सभी वस्त्र स्नानागार में ही फेंक कर चल देते हैं। ऐसे में सभी पुरुष वर्गों को ध्यान देना चाहिए कि आपकी पत्नी सारा दिन काम करती है तो जो वस्त्र आप नहाते समय पहने रहते हैं वह आपको स्वयं ही धो लेना चाहिए। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी यही कहना है कि नहाते समय जो वस्त्र आप पहने रहते हैं उसे स्वयं धोना चाहिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर के सभी सदस्य आपस में एक दूसरे का सम्मान करें, कभी किसी को अनुचित ना बोलें। दोस्तों, जब तक आपके शब्दों में मिठास रहती है तब तक रिश्तों में प्रेम व्यवहार बना रहता है और गृहस्थ आश्रम भी सही रूप से चलता रहता है। दोस्तों, कुछ लोगों को यह बातें कड़वी भी लगी होंगी, लेकिन यह सत्य है कि कड़वी बातें ज़्यादातर सत्य ही होती हैं। दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।